गाइस, मैंने बनाया है आज आटे का चीला। ये मैं कुछ न्यू ट्राई कर रही हूँ, मैंने ऑनलाइन देखा है इसे। लेट्स सी पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको दो तवे पे चढ़ाया है। हे भगवान, कुछ टूटने का आवाज़ है, ज़रूर मायरा ने कुछ किया। चीला खा के मम्मी में कुछ ज़्यादा ही जोश आ गया, मैं भी चली मम्मी के साथ थोड़ा मस्ती करने के लिए। मेरी सास कितना अत्याचार करती है मेरे पे, इतना मारती है मेरे को, इतना मारा मुंह छुपाने के लाये मुंह छुपाने ये मुंह छुपा रही है, दिखाओ जरा अपना मुंह, अपनी बहू पे इतना अत्याचार कर दो। और मायरा के साथ खेलना मुझे बहुत पसंद है, और जब वो हंसती है तब तो और मजा आता है। शिया किया, दिखाओ दिखाओ। आटे का चीला बना दिया है, सबने खा लिया पूरा, सब मैंने वाइंड अप भी कर दिया है। अब मुझे जाना है बाहर, और शाम को डिनर के लिए मैं सोच रही हूँ मैं पराठे बना दूँ। तो कैसा हो जाएगा पराठा? नाश्ता एक्चुअली करते तो बहुत हैवी हो जाता है, फिर डिनर जाता नहीं है, तो डायरेक्ट डिनर के लिए पराठा बना देती हूँ, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं बना रही हूँ आलू का पराठा और गोभी का पराठा। आलू का पराठा तो नॉर्मली बनता ही है, तो मैंने आज सोचा फूल गोभी का पराठा बनाऊं। अगर पसंद नहीं आया तो इसलिए मैंने आलू का ऑप्शन भी रखा है। मैंने दोनों पराठा बना रही हूं, तो चलो काम पे लगते हैं। वैसे दोनों बनाना ना बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए। एटलीस्ट आटा लगा लो। वैसे तो बनाना है कुछ मुझे 9 बजे हम लोग खाना खाएंगे, तो पराठा ही खा लेंगे, पर मैं अभी से आटा लगा रही हूँ ताकि लेट ना हो। तो आटा गूंद के रख देती हूँ, और सब आलू स्मैश विश करके रख देती हूँ, गोभी स्मैश खिस के रख देती हूँ। सुबह मैंने आटा लगाया था, इसमें थोड़ा सा है, बट मुझे लग रहा है कि ये ऑफकोर्स कम पड़ेगा। सब लोग एटलीस्ट 2-3 पराठा तो खा ही लेंगे। आलू हो गया है, आधे से ज्यादा आलू मायरा ने कहाँ फेंके, आलू प्याज पता नहीं, अभी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि आलू प्याज कम पड़ रहे हैं। अब कहाँ कहाँ कोने कोने में किधर डाला है भगवान जाने। अभी पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, फिर आलू प्याज ढूंढती हूँ। आलू हो गया। ये है फूल गोभी का और ये है आलू का। अब इसमें मसाले सब डालने हैं, अभी नहीं करती हूँ क्योंकि 9 बजे तक खाएंगे, तो 8:30 बजे से बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि वो थोड़ा क्रिस्पी बनने में ना, स्लो गैस में अगर मैं रखती तो वो एकदम क्रिस्पी बनता है। विक्रमी लोग ऐसे ही पसंद करते, तो 8:30 बजे से स्टार्ट करती हूँ, तो 9 बजे तक बन जाएगा। तो ये एक गैस पे गोभी पराठा, एक गैस पे है आलू पराठा। काम हो गया, पराठे बन चुके हैं, मैं भी अभी जाऊंगी खाने के लिए। अब सबसे बड़ा टास्क है पराठा बनाने के बाद ये बर्तन। आई हेट डूइंग दिस। खाना बनाने के बाद में थकावट इतनी हो जाती है, गर्मी भी बहुत होती है, उसके बाद में पूरा किचन विचिन साफ करने के बाद इतने सारे बर्तन घसो, वो सबसे इरिटेटिंग है। खाना बनाने के लिए कुछ नहीं, मैं फटाफट बना दूं, पर बर्तन मुझे बहुत 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 बोर होता है बर्तन करने। दही के साथ पराठा मस्त लगता है। लेट मी चेक।
पूरा काम वाइंड अप कर दिया है, सब बर्तन वर्तन सब कर दिए है, मैं थक गई हूँ, अब मैं चली सोने। मैं बाहर से आई थी तो मैंने कपड़ा भी नहीं चेंज किया, कपड़ा चेंज करने का मन ही नहीं कर रहा था, फिर भी कैसे भी कर दिया। गुड नाइट।